तो हो सकता है ये शब्द आप ऑलरेडी सुन चुके हो या आने वाले टाइम में तो ये शब्द आप डेफिनेटली सुनने वाले हो, लग्रांज पॉइंट। देखिए, भारत का जो अगला आदित्य L1 करके जो एयरक्राफ्ट जाने वाला है स्पेस में, वो लग्रांज पॉइंट 1 पे जाने वाला है। लग्रांज पॉइंट होता क्या? देखिए, स्पेस में बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी हैं, सूरज है, चांद है, इनकी ग्रेविटेशनल एक पावर है, तो हर चीज़ उनकी तरफ आती है। लेकिन कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जो दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, ऐसी जगह पे जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट हो सकता है जहाँ दोनों का जो ग्रेविटेशन है वो इतना इक्वल है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ चली जाए तो वहाँ कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर हमने अपनी एक सैटेलाइट वहाँ भेज दी तो वो वहाँ पे स्टेबल रहेगी, बिना पावर के या बहुत कम पावर में वो वहाँ स्टेबल रहेगी, बहुत लंबे वक्त तक रह पाएगी। इस प्रकार के लग्रांज पॉइंट 5 हैं जिनको हम जानते हैं, और जो लग्रांज पॉइंट 1 पे आपका आदित्य 1 जाने वाला है, जिससे वो सूर्य के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रख पाएगा और आने वाले वक्त में बता पाएगा कि भाई सूर्य से जो विकिरण आ रही है उनकी क्या पोजीशन है। तो इसीलिए इसमें हमने चर्चा की है, क्योंकि आने वाले वक्त में तो उसका काफ़ी डिस्कशन होने वाला है।